सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज काफ़ी दिन बाद, मतलब एक वीक के बाद मैं बड़ा वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसे कि ज़्यादातर शॉर्ट्स ही डाल रही थी क्योंकि शूटिंग का नहीं हो पा रहा है। मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है और मेरे को न्यू वाला ट्राईपॉड ऑर्डर करना है, बट नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा बजट लेके चलूँ और अच्छा वाला ट्राईपॉड ले लूँ। तो ये वीडियो काफ़ी पुराना है, जैसे कि जब मेरा हाथ कट गया था, आप लोगों को पता रहेगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो, तभी मैंने चिकन बीफ का कीमा था और ये अक्खे मसूर की दाल के साथ मैंने इसका बिरयानी बनाया था। तो वही नॉर्मल सा वीडियो है, बस मैंने शूट किया और कुछ नहीं अपलोड करा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ अपलोड करने मिल भी जाएगा मुझे और कनेक्शन मेंटेन रहेगा। तो जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो अच्छे से देख लो, सब्सक्राइब भी कर लो यार, फ्री ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मेरी मदर इन लॉ की डिमांड पे अक्खी मसूर की बिरयानी, बट ऐसा हो गया कि वो डेगची मुझे छोटी पड़ गई क्योंकि हम लोग 5 लोग रहते थे साथ में, तो उस हिसाब से क्वांटिटी मुझे ज़्यादा रखना था। फिर मैंने ये वाला डेगचा लिया और दूसरे डेगचे नहीं मिल रहे थे जो बड़े बड़े डेगचे थे। कैसे कैसे अरेंज करके मैंने सब इसमें मिक्स किया, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। तो इस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ बोल रहे थे कि उनका तरीका अलग है और मेरा तरीका अलग है, तो सबका हाथ का अपना एक स्वाद रहता है कि सबको अपने अपने हाथ की बिरयानी पसंद आती। तो ये मैंने मेरे तरीके की बनाई थी ग्रीन वाली, और ये तो मैंने मेरी मतलब मदर इन लॉ से सीखा है। मेरी मम्मी साइड ये सब नहीं बनता है, जैसे कि पता ही रहेगा आप लोगों को कि मैं कोकनी हूँ और फैज़ान के घर वाले साउथ इंडियन हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला मैं अच्छे से कुक करके बाद में मैंने मेरे सब चावल वगैरह भिगने रखा था, तो बड़ा टोप तो मुझे मिला ही नहीं फाइनली। फिर मैंने ये डेगचे में कैसे कैसे एडजस्ट करके फिर दूसरा डेगचा लिया। जब मिल गया मुझे ये सब सामान, मैंने इसको अच्छे से कुक किया। मसाले को हम लोग कीमे को अच्छे से कुक कर लेंगे और अक्खी मसूर की क्वांटिटी भी हम लोग ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारे घर में दाल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अंडे भी बॉयल इसके साथ अंडा बॉयल भी करके खाते, बट हम लोग अंडे को थोड़ा फ्राई करते हैं। तो पहले मैं मेरा रिश्ता फ्राई कर लूँगी, फिर अंडे को फ्राई करूँगी। अक्खे उबले हुए अंडे आप लोग स्लिट करके भी डाल सकते हो और नॉर्मल जैसा दम लगाते हैं ना वैसे ही लगाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं तो मतलब जो डेगचा रहता है उसके फर्स्ट लेयर में मैं पहले मिल्क ऐड करती हूँ, घी और मिल्क, जिससे कि हमारी बिरयानी नीचे लगती नहीं है, ये मुझे किसी ने बताया था। तो इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया, फिर चावल का एक लेयर बिछा दिया, इसके ऊपर मैं पूरा जो ग्रेवी का मसाला बनाई हूँ वो ऐड कर दूँगी, थोड़ा बिरिस्ता ऐड कर दूँगी, बॉयल एग्स ऐड कर दूंगी, फिर अगर चावल की थर लगाने के बाद मैं इसमें फूड कलर, घी जो भी है वो सब डाल के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 मिनट हाई फ्लेम और 15 से 20 मिनट लो फ्लेम देंगे और इसमें हमारी बिरयानी अच्छे से पक जाएगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना और ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, खांसी इतनी हो गई है, तो कोई नहीं, होता रहता है।